एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बात करते हैं कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने जाते जाते सभी राज्यों और सरकार को क्या नसीहत दी है फ्री बी कल्चर्स के बारे में। उन्होंने कहा कि फ्री बी कल्चर से जो है राज्यों की सेहत और राष्ट्र की वित्तीय सेहत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ये देखिए, बजट 2022-23 में जो एलोकेशन दिया गया था फार पावर सब्सिडी यानी फ्री पावर इन सेलेक्ट स्टेट्स, कुछ राज्यों में जो है पावर सब्सिडी के लिए और निशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए यह जो बजट दिया गया था उसका ग्राफ देखिए आप। तो यहाँ पर इन्होंने यह कहा कि फ्री बी कल्चर से जो है राज्यों की वित्तीय सेहत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। सरकार को निश्चित रूप से ही गरीबों और ज़रूरतमंदों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन साथ ही हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही नहीं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि फ्रीबी कल्चर जो है ये बहुत ही नुकसानदायक है। यहाँ पर उनसे उनके आधिकारिक आवास पर जो है बहुत सारे IAS आए थे, तो उनसे उन्हें वो संबोधित भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो लोक लुभावन ये जो योजनाएं चला रही हैं राजनीतिक पार्टियां, इसका विरोध होना चाहिए। साथ ही में सरकार को जो है कोई अन्य उपाय खोजना चाहिए, अगर हो सके तो ऐसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में लोगों को अपनी मातृभाषा में सरकार की नीतियों और पहलों के बारे में समय पर जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, और दूसरी ओर सरकारों को भी लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से उद्देश्य और समयबद्ध तरीके से अवगत कराने की आवश्यकता है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जो है सरकार जो है अपने नागरिकों पर केंद्रित हो और उत्तरदायी शासन के लिए जो है सरकार और जो नागरिक हैं उनके बीच में जो है संवाद को निरंतर बढ़ाया जाए, जिससे कि नीति निर्माण और जो क्रियान्वयन दो तरफा प्रक्रिया हो उसमें सभी लोगों की हर स्तर पर भागीदारी हो सके। उन्होंने कहा कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र है और इसमें सुधार की प्रक्रिया लोगों को सुखी और समृद्ध आसानी से बना पाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जो है खुशी प्रदान करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जो है अस्थायी दर्द सहन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, जो ICTC क्रांति है और इंटरनेट के प्रसार ने हमारे जितने भी समाचार पत्र हैं उन सभी के माध्यम से जो है वो हम तक कोई भी योजना बहुत आसानी से पहुंच जाती है और उसके जो है लाभ भी काफ़ी मिलता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा जोखिम भी हैं और हानियाँ भी हैं। उन्होंने कहा कि गलत सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरें जो है नई चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं, जिससे सरकारी संचारकों को 24 घंटे इससे निपटने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रति भी आगाह किया और ऐसी प्रवृत्तियों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो है कि लोकतंत्र में जो है मीडिया चौथा स्तंभ है और सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं उस चौथे स्तंभ में आता है। तो उन्होंने कहा कि जो है पत्रकारिता के जो मानदंड है और लोकाचार है ना, उनका जो क्षरण हो रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तटस्थता और निष्पक्षता यह जो है मीडिया का जो है एक विशेष गुण है, जो कि इस समय मीडिया के पास धीरे धीरे खोता जा रहा है। और लोकतांत्रिक लोकाचार के अस्तित्व के लिए मीडिया का निष्पक्ष और तटस्थ होना अत्यधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो जितने भी देश के जो सफल अधिकारी, उद्यमी, युवा या वैज्ञानिक हैं, उनके जो विकासात्मक कहानियां हैं उन्हें जो है हमें पर्दे पर सामने लाने की आवश्यकता है। साथ ही में सूचना और मनोवैज्ञानिक युद्ध को आधुनिक युद्धों का एक महत्वपूर्ण आयाम भी बताते हुए उन्होंने IAS अधिकारियों को इन क्षेत्रों में जो है अपनी विशेषज्ञता विकसित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो है जलवायु परिवर्तन की घटनाएं और निश्चित रूप से बढ़ रही हैं, तो इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो आपकी प्रकृति आपकी रक्षा करेगी और आपको प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। और अंतिम रूप से उन्होंने कहा कि एक साधारण किसान का बेटा से मैं देश के दूसरे सर्वोच्च
संवैधानिक पद तक मेरे उत्थान की जो कुंजी थी उसकी, वह एक कड़ी मेहनत, एक दिमाग वाली भक्ति और निरंतर यात्रा में निहित है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में लोगों के साथ मैंने लोग मिलकर और बात करके बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो है वेंकैया नायडू जी का अंतिम जो है एक एड्रेस था IAS अधिकारियों के लिए। और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने भी केंद्र सरकार चुनाव आयोग से इस बारे में पूछा है कि ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना, जो ये फ्रीबीज हैं, मुफ्त के जो वादे कर रहे हैं, इसने जो है अगले 7 दिनों के भीतर उनसे अपना जवाब मांगा है। साथ ही ये भी कहा है कि इनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, सरकार से उसने पूछा है। और ये कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इस पर सुझाव देने के लिए नीति आयोग, वित्त आयोग, सत्तारूढ़ पार्टी, विपक्षी दल, RBI और अन्य हितधारकों से मिलकर एक शीर्ष निकाय बनाने की आवश्यकता है। जितने भी मुफ्त ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना, फ्रीबीज दे रहे हैं ना, इन पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म करने की भी जो है मांग की गई है। एक्चुअली यह है कि जो जनहित याचिका दायर किया गया था सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने ये भी कहा था कि जो है कई राजनीतिक पार्टियाँ जो है शराब देकर या अन्य नशीले पदार्थ देकर, कुछ पैसे देकर जो है लोक लुभावन आकर्षक ऑफर देकर जो है वोट खरीद लेते हैं और इसका गलत उपयोग करते हैं बाद में, जिसका खामियाजा या तो पब्लिक को भुगतना पड़ता है या फिर सरकार को, और इससे जो है डेफिसिट घाटा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जो है मुफ्त देने का जो वादा राजनीतिक पार्टियां करती है ना, उनको गंभीर रूप से चिन्हित किया था और केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस मामले में जांच करें ताकि मतदाताओं को प्रेरित करने के मुफ्त जो वादे हैं ना, उनको नियंत्रित किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।